What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, Frosty Boy is back with another mega ramp GTA 5 race. And guys, यहाँ पर अरे आगे कैसे निकल गया तू? तो भाई मेरे को पीछा नहीं कर पाओगे, मेरे पास SUV है बहुत पावरफुल वाली. अरे ब्रो तू जा. एक कितना आगे चला जाएगा ये? हर रेस में भाई आगे भागता है लेकिन आखिर में पीछे ही आ जाता है. और हमारी गाड़ी नंबर 1 पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुकी है. लेकिन अरे भाई 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 अरे कहाँ चले गए भाई? बहुत तेजी में जा रहे हो चौप. तो भाई बता लो, लोग मार देगा मेरे को, बहुत तेज में गाड़ी उड़ रही है मेरी. फॉक्स भाई मेरे से नहीं कंट्रोल हो पा रहा है. अरे तो दोस्त कंट्रोल नहीं करना है, उसको उड़ने दो हवा में. वो बनी इसीलिए. मेगा रैंप का पॉइंट ही नहीं समझता ये लड़का गाइस. खैर हटाओ, अपन लोग उड़ाते हैं अपनी SUV गाड़ी यहाँ पर फुल स्पीड में, क्योंकि हम लोगों को टेंशन ही नहीं लेना है. ओ आगे निकल गया मैं. वो गाइस आप लोगों ने देखा, अपन लोग इससे बहुत ही ज्यादा पीछे थे लेकिन अचानक से मैंने क्लच मार दिया एक्सीलेटर के साथ, हम लोग आगे चले गए. फॉक्स भाई ये आपको भाई बहुत भारी पड़ेगा, मैं पीछे ही आ रहा हूँ आपके, आप आगे कैसे निकल गए? फॉक्स भाई मैंने इतना रिस्क लिया, आप बिना इसके आ गए भाई. अरे दोस्त आप लोग का यही तो स्वैग है भाई, इसीलिए तो टॉप प्लेयर बुलाते हैं अपन को. ऑलराइट लेट्स गो. शिट रिस्पॉन. ओके तो तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने यहाँ पे 1000 IQ इस्तेमाल करके गाड़ी बदल लिया मौके पर, और अब टाइम है चौके मारने का. और ये देखो भाई सब क्या जंप मारा है भाई मैंने. गाड़ी का अंजर पंजर ढीला हो जाता अगर लैंडिंग सही नहीं होती. और मैं यहाँ पे गाइस लैंडिंग को परफेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा अपुन. ओ भाई आराम से एंड लेट्स गो, एकदम मक्खन लैंडिंग गाइस. एक और बार तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई ने दिखाई है, आप तो सीधा फिनिश लाइन है, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता. ओ भाई इस बार देखा कितना परफेक्टली किया, गाड़ी पे एक स्क्रैच तक नहीं है दोस्तों. इससे पता चलता है भाई प्रो रेसर की पहचान. एंड लेट्स गो, फिर से हम लोग बन चुके हैं सुपर फास्ट फाइटर जेट. क्या ये सुपर फास्ट फाइटर जेट्स जितने फास्ट दिखते हैं उतने फास्ट हैं? आइए देखते हैं. और ये देखो ऊपर से आ रहा है ना, इसको मारने की कोशिश करता हूँ मैं. और ये गया लगा भाई. देखा फॉक्स भाई यार आप तो यार मेरे को यार क्रिकेट की बॉल समझते हो भाई, जहाँ से आते हो बजाते हो निकल जाते हो फॉक्स भाई. अरे दोस्त तुमको भाई कुछ भी समझे उससे क्या भाई, आखिर में तो तुम्हें जाना बाउंड्री के पार ही है. काम करो, अपना मुंह नीचे करो और सीधा पिटाई खाओ, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में ये लिखा है दोस्त. तुमने हमसे पंगा लिया इसलिए बोलता हूँ भाई, अब तुमसे पंगा कर देगा दंगा. ऑल राइट भाई बहुत ज्यादा हो गया. अभी भाई यहाँ पर हम लोगों को रेस करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये चौप का बच्चा भाई आगे निकल जाएगा. भाई ऐसी कड़क चड्डी फाड़ रेस करूंगा भाई, आपके दिमाग उड़ जाएंगे. अरे अरे भाई तुम तो यार सीरियस हो गए लगता है गाइस. चौप का पूरा स्वैग आ गया यहाँ पे, और अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए वो भाई कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा. देख रहे हो भाई कड़क काम कर रहे. अरे भाई 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 बच गया मैं, नहीं तो गाइस अभी मेरे 9-2-11 हो जाते. इस चौप ने तो भाई पूरा एम लगा दिया था हमारे ऊपर. वो तो कहो तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई लास्ट मोमेंट पे अपनी गाड़ी को नीचे कर लिया, नहीं तो भाई मेरा तो गेम ओवर था भाई, गेम ओवर कर दिया था गाइस ने. तो भाई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे मेरे सामने, मेरी मिसाइल आपको छोड़ेगी नहीं. मिसाइल? अबे तुम्हारी प्लेन में मिसाइल है भाई? मेरे को अपने मुंह से काम चलाना पड़ता है भाई, ये तो कोई चीटिंग नहीं कर रही है गाइस? ये चीटिंग नहीं है तो क्या है भाई? ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ. खैर हटाओ, इस अन्याय का बदला हम लोग अपने वार से देंगे. अबे बच कैसे गया भाई? ये क्या था, एक सेंटीमीटर से भी कम सेंटीमीटर में बचा है ये. चलो कोई ना गाइस, अब उन लोग सेंटीमीटर नापने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई नापने के लिए कितनी मार्जिन से अपन लोग ने फिनिश किया इस रेस को, और चौप कितने बार DNF होता है. तो भाई देखो मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ भाई, और मैं आपसे हार नहीं मानने वाला हूँ. आप ट्रक बने हो, मैं गाड़ी बनूंगा आप ट्रक बनोगे, लेकिन भाई अपन लोग भी फर्स्ट आएंगे भाई किसी दिन. अरे अपन लोग क्या, तुम 3-4 लोग बैठ के इकट्ठा होकर रेस कर रहे हो क्या भाई? मतलब तुमको मैंने समझाया है भाई, पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर ना रेस किया करो, रेस तो अपने कंप्यूटर पे कर लिया करो. तो भाई देखो मेरे को यार बातों में आप इन्वॉल्व कर रहे हो भाई, मेरे को रेस कर रहे हो साथ से. हाँ ठीक है भाई तुम रेस करो, अपन लोग यहाँ पर फेस करते हैं जो चैलेंज है हमारे सामने, और वो है तुमको जितना ज्यादा हो सके उतना बुरी तरीके से एकदम खतरनाक तरीके से DNF देना. एंड लुक एट दिस, क्या वेदर है भाई. मेगा रैंप चैलेंजेस में गाइस ना जाने क्यों हमेशा जब भी मैं करने जाता हूँ दिल गार्डन हो जाता है. आई मीन लुक एट दिस मौसम यार, किसका मन नहीं आएगा इसके ऊपर. अरे 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 मौसम का तारीफ किया तो गाड़ी बुरा मान गई भाई, देखो कैसे मुंह के बल गिर रही है. अरे हो गया भाई हो गया. अरे आराम से. व्हाट द हेल भाई, माना कि तुम ट्रक हो भाई लेकिन ऐसे मटक मटक के चलने की जरूरत नहीं थी ठीक है. ऑलराइट लेट्स गो गाइस. वो ये वाला सिंबल आ गया यार इसके पीछे, इसको कोई लिखो भाई, जो लिखते हैं ना ट्रक के पीछे कि भाई देखो मगर प्यार से, वही वाली बात हो गई. अरे अरे तुमको भाई बोला देखेंगे लेकिन प्यार से, लेकिन तुम फिर भी मर गए यार बाहर से. गाइज आफ्टर अ लॉट ऑफ अन्याय एंड बहुत ही ज्यादा टॉर्चर, फ्रॉस्टी भाई ने यहाँ पे ठान लिया है कि चौप भाई एकदम सेम चेक पॉइंट पे आ गया ठीक है. मतलब अभी जो वो फाइटर जेट बन के जा रहा है ना, लिजिट भाई ट्रक बन के आएगा. बच गया भाई, इसको कहते हैं नूब लोगों से पंगा, हो जाएगा दंगा. फॉक्स भाई तो आप इसका मतलब नूब हो भाई. अरे नहीं नूब तुम हो दोस्त, और अपन लोग यहाँ पे पार करके बन चुके हैं प्रो, सो लेट्स गो. ओके ये सही हो जाए तो
भाई मैं थोड़ा सा चेक पॉइंट में घुस के जल्दी से फाइटर जेट बन जाऊं, नहीं तो चॉप एकदम सेम चेक पॉइंट पे आ गया है। गाइस मैं बोल रहा हूं भाई ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है सोलो पे। ऑलराइट लेट्स गो, फाइटर जेट इज इन बैक इन एक्शन माय बॉयज। चलो लेट्स शो देम कि हम लोग यहां पर कितने ज्यादा प्रो लोग में से आते हैं और क्या ये फाइटर जेट फिर से चॉप के बच्चे को यहां पे उड़ा पाएगा हवा में। आइए जानते हैं लेटेस्ट एपिसोड ऑफ चॉप फेल्स ओपी। ओके यहां पर चॉप बहुत तेज से आ रहा है एंड बूम। अरे अरे क्या यार ये क्या फालतू फाइटर जेट है भाई, अभी क्या मस्त चौका लगाने वाला था भाई, चौका लग गया यहाँ पे। चलो 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 चलो, टाइम नहीं है वेस्ट करने का, लेट्स गो। ओके ओसीलॉट की लिंक्स गाड़ी मिली हमें, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं लोग, लेकिन हाँ मेरे को वियर्डली इनफ याद भी है इस गाड़ी का नाम। तो चलो भाई ये गाड़ी तो भाई अपने घर वाले के जैसा है भाई, इसका तो नाम भी पता है मेरे को। अब बस इसको एकदम फुल स्पीड में दौड़ाना है और रैंप के ऊपर कूदवाना है और एक बार अपन लोग फिनिश लाइन का चेहरा देख ले तो उसके बाद मूड ही बन जाना है। वाह वाह क्या शायरी मारी है, अगर इतना अच्छा गाड़ी चला लेता तो आज भाई मैं चौप को हरा चुका हूं अभी तक बातें बनाने की जगह पे। ओ माय गॉड लुक एट दिस, हम लोग मरने वाले हैं। ओ नहीं बच गए, अरे बच कैसे गया मैं भाई, मैं तो ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करने वाला था अपनी मौत को, लेकिन लगता है गाइस हम लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा लकी हो चुके हैं एंड ये भगवान को भी मंजूर नहीं है कि फ्रॉस्टी भाई आज रेस हार जाए, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं एकदम चेक पॉइंट के अंदर। ओके मैं करीब बोलने वाला था लेकिन बहुत तेजी से जा रहे हैं। डॉक्टर भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो भाई, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी बता ही दे रहा हूं आपको। अरे दोस्त तुम कुछ भी बता ही दो, लेकिन एक बात भूलना मत, आप लोग आएंगे फुल स्पीड में और ऊपर से चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? डॉक्टर भाई देखो मजाक क्यों किया आपने, ठोका क्यों नहीं मेरे को? अरे दोस्त मेरे को पता है कि तेरे को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी फाइटर जेट फालतू का पड़ जाएगी तो इसलिए तू छोटी गाड़ी बन गया, उसके बाद बताते तेरे को, अभी नहीं बताएंगे भाई, अभी बताएंगे तो भाई हमें खुद कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसीलिए गाइस अपने को ये। ओ भाई क्या थासू गाड़ी है बे, ऐसा लग रहा है भाई साहब ऐसा बॉडीगार्ड को होती है ना गाड़ी, वो है ये। ओ माय गॉड गाइस इस गाड़ी से भाई चिथड़े उड़ा सकते हैं, लेकिन आई वंडर कि क्या इस गाड़ी के गन्स भी हम लोगों को इस रेस में इस्तेमाल करने दिए जाएंगे भाई। आई डाउट गाइस क्योंकि ये मेगा रैंप चैलेंज, अगर इसमें गन इस्तेमाल करने लग गए तो सोचो भाई चॉप तो ऐसे ही हार रहा है गाइस, उल्टा और हार जाएगा बेचारे के आंख से आंसू नहीं खून बह रहा देंगे, तो इसीलिए रहने दो भाई, अपन लोग उसको और टॉर्चर नहीं करते। देखो मेरे से पंगे लेने आ रहा है, ए भगवान तू जा रे, तू जा क्या गुंडा बनेगा तू, देख तूने मदद कर दी मेरी। ओए भाई 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 मदद के चक्कर में भी गड़बड़ी हो जाती। तो भाई आप बच कैसे गए भाई, इतनी जोर से टक्कर मारी थी आपको, आपको पूरा यार फैमिली हिल जाना चाहिए था। अरे दोस्त फैमिली तो छोड़ो, मेरे गाड़ी का यार चौथा चक्का तक नहीं हिला, मतलब तूने सिर्फ 3 चक्कों पे लैंडिंग करवाई है मेरे को। खैर हटाओ ये बहुत ही बकवास जोक था, जैसे जोक को भूल जाएंगे वैसे चॉप को भूल जाएंगे अपन लोग जब फिनिश लाइन टच करेंगे तो। लेट्स गो। ओके ये फाइटर जेट बनने के बाद भाई ऐसा एक्शन फील होता है कि यार मर क्यों गया मैं बोलने वाला था, एक्शन फील होता है भाई स्टंट मार के दिखाता गाइस, लेकिन लगता है कुछ ज्यादा फ्लो फ्लो में मर ही गया मैं। चलो कोई बात नहीं, अब यह बदला लेना है भाई चॉप से, बहुत मेरे को मारने के यहाँ पे यार षड्यंत्र रची जा रही थी ना। रुको भाई अभी बताते इसको कहाँ आ रहा है, चल हट। ओ अरे अरे बच गया, शिट बस हल्का सा टच हुआ यार। तो भाई आपको क्या लगा आप मेरे को एक टच पे यार एकदम सिक्सर बना के उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता प्रॉफिट भाई, आपके डिस्टर्ब करने के बावजूद मेरे को चेक पॉइंट मिल गया। देख रहे हो, देख रहे हो भाई साहब बच्चे से अपनी सेलिब्रेशन कंट्रोल नहीं हो रही है गाइस। चलो थोड़ा इसके रंग में भंग डाले, अपनी बाटी के साथ इसको भून डालेंगे भाई, अभी देखो इतना स्पीड में मेगा रैंप कंप्लीट करूंगा इसका होश उड़ जाएंगे, लेट्स गो। तो गाइस यहां पर बस ग्लाइड अच्छे से करनी आ रही है। नहीं 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 कहा चला गया मैं? फ्रॉस्ट भाई क्या बोल रहे थे आप, तो मेरे को भून डालोगे कुछ बोल रहे थे फ्रॉस्ट भाई, अभी लगता है आप ही पानी में भून गए भाई। अरे पानी में क्या आग में भूनेंगे भाई तुमको, रुको रुको बताते हैं अभी। एक बार मिस क्या कर गया भाई तुम, तो यार एकदम पीछे पड़ गए। ये मारा ग्लाइड एंड अरे 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 अरे, अरे रुको रुको फिर से मारेंगे ठीक है। ये चॉप का बच्चा हमें काय को टच करेगा भाई, तू पकड़ के दिखाना पहले मेरे को। फ्रॉस्ट भाई आप तो सुपरमैन से भी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहे हो फ्रॉस्ट भाई, अभी देखो ना तुम, ये देख रहे हो ये भाई जो भी एयर ब्लिंप है ना इसके ऊपर से जाएगा। लेट्स गो भाई, देखा है किसी, देखो प्रोनेस का ना यही सबूत होता है भाई, मेरे को सबूत देने की जरूरत नहीं, सबूत आपके सामने है। और ये देखो पिछले बार में मरा था ना ये करते हुए, नॉट एनी मोर। कुछ गाइस हम लोग यहाँ पे डैडी प्लेयर स्टेटस पे ऑलरेडी पहुंच भी गए इस रेस में, मतलब मैं प्रो प्लेयर तो बोलता ही था खुद को, हैकर वैकर तो बच्चे है, अपन लोग सीधा डैडी प्लेयर बन चुके हैं। और ये चॉप द नुबड़ा हट रही ऐसी की तैसी। और फ्रॉस्ट भाई इतना जोर से मारा पूरी गाड़ी बाउंस ऑफ कर गई भाई रैंप के ऊपर, ये होना नहीं चाहिए था फ्रॉस्ट भाई। अरे दोस्त होना तो तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ना तो आखिर हम लोगों को भी करने तो भाई जो करने आए हैं, इससे पहले की टाइम निकल जाए मेरे को इसको पीछे करना पड़ेगा गाइस। वैसे ऑलरेडी बहुत पीछे है बट इतना पीछे कर दिए कि भाई फिनिश लाइन इसको दिखाई नहीं देगी, अगला जन्म लेना पड़ेगा इसको फिनिश लाइन छूने के लिए। और फ्रॉस्ट भाई फिर से आपने मार दिया यार, आपका ये डेली का है फ्रॉस्ट भाई, मेरे को आके डिस्टर्ब करके चले जाते हो भाई। अरे ये मरा कि नहीं? ओ मर गया, लेट्स गो भाई, मेरे को लगा ये मरेगा नहीं, ये बच जाता भाई, अभी तो बहुत दिक्कत हो जाती। अरे 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 प्लेन का भाई, अरे भाई साहब प्लेन का डायरेक्शन देखा गाइस तुमने भाई, पूरा ऐसे वैसे हो गए थे यार अपन लोग। चलो तो अब आ चुकी है बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट ऑसम अमेजिंग कार, अब इसको जंप कराते फुल स्पीड में चॉप के टकले के ऊपर से। आई होप कि मैं जंप कर जाऊं। ओ शिट थोड़ा सा से रह गया। अरे अरे कैसे लैंड कर रही है भाई, कौन से एंगल पे जाना है भाई तेरे को, देख लो मरेगा ये, मेरे को पता है भाई, पहले ही बता सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस ना मैं जेब में लेके चलता हूँ। ऑलराइट गाइस,
लगता है कि हमारी किस्मत में इस गाड़ी से फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट करना लिखा नहीं था। वैसे ये कस्टम गाड़ी आप लोग देख सकते हो, ये लिजिट मैं ओन करता हूँ रियल लाइफ में। तो भाई ऐसा रुक क्यों रहे हो भाई मेरे सामने, अगर चैलेंज कर रहे हो क्या मेरे को? चैलेंज चल बे, तेरे को कौन चैलेंज करेगा, तू ऑलरेडी बहुत हारा हुआ है। तेरे से अच्छा तो भाई मैं खुद को चैलेंज कर दूं, उसमें अपन लोग ज्यादा आगे निकल जाएंगे गाइस। तो भाई बहुत बेइज्जती हो गई ये लोग। अरे बाप रे, इतना जोरदार भीषण टक्कर हुआ है मेरे चॉप के बीच में, यही मर गया लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, तमाम कोशिशों के बाद तुम्हारा फर्स्ट भाई पहुंच चुका है यहां पर एक बार और चेक पॉइंट ले रहे हैं। आई थिंक इसके बाद फाइनल चेक पॉइंट ही है। तो चलो फटाफट से बनते हैं प्लेन एंड चलते हैं फिनिश लाइन की तरफ। ऑलराइट गाइस, तुम्हारा प्रो से भी ऊपर फर्स्ट भाई यहां पे जा रहा है अपने फाइनल अटेम्प्ट के लिए। तो चलो चॉप को यहां पे मारते हुए कोशिश करेंगे जाने की। अरे नहीं, इसका एंगल बहुत ऑफ है, इसका एंगल बहुत ऑफ है, बोला था ना बैरियर निकल गया भाई बगल से। खैर हटाओ गाइस, कोई बात नहीं, चेक पॉइंट लेते हैं एंड इस रेस को करते हैं फिनिश। ओके तो चलो फटाफट से करते हैं यहां पे रिस्पॉन। एंड ये वही गाड़ी है जो हम लोगों को स्टार्टिंग में मिली थी, काफी बढ़िया गाड़ी है यार, मानना पड़ेगा दिखने में वन ऑफ द बेस्ट एसयूवीज में से एक है। लेकिन ये भाई काफी नहीं थी हमारे मिस्टर चॉप को यहां पर रेस जिताने के लिए, इसीलिए वो बेचारे अब हार का मुंह देखेंगे। डॉक्टर भाई बहुत बेइज्जती हो गई भाई, आपको क्या लगता है कि मैं हर बार हारने के लिए पैदा हुआ? उनको भाई अगली रेस में कुछ भी हो जाए जीत के दिखाऊंगा फ्रॉस्ट भाई। अरे अरे चल बे, तू अगले जन्म में आइयो भाई, तू कल भी मत आइयो ठीक है? कल आना ना तेरे लिए एक अंडर स्टेटमेंट है। आज गाइस अपन लोग बोलेंगे चॉप तू अगले जन्म में आइयो ठीक है। गाइस कमेंट कर दो यार अगले जन्म में आना ओपी, आई थिंक ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चॉप नूबी लिख दो ठीक है, चलेगा चलेगा भाई। इतना लंबा चौड़ा कमेंट नहीं भी करोगे तो अब भी चॉप को पता चल जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। फ्रॉस्ट भाई ऐसा ना करो, मैं सबसे चॉप ओपी नहीं तो अभी फ्रॉस्ट ओपी लिखवा दूंगा। हां तू लिखवा देना फ्रॉस्ट ओपी। इसको खुद नहीं पता है, ये बेचारा हार के दर्द से सफर कर रहा है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।